नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर का पराठा। तो पनीर का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले पनीर ले लिया है। पनीर को इस तरीके से मैश कर ले। फिर हमें इसमें डाल देना है बारीक कटे हुए मिर्च, हरी मिर्च है, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। अगर तुरंत आपको बनाना होगा तभी नमक ऐड करिएगा, अगर टाइम है थोड़े देर बाद बनाना है तो नमक मत डालें क्योंकि इससे पानी रिलीज होने लगता है और इसकी वजह से फिर पराठे फटने लगते हैं। तो जब तुरंत बनाना हो तो तुरंत नमक ऐड कर लें। फिर हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो के लिए मैंने आटा ले लिया था, इसको एकदम सॉफ्ट गूंथ लेंगे, एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है ये। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीस ले लेंगे हम आटे का और इसको इस तरीके से कट करके इस तरीके से घुमाना है और इसको एक कटोरी का शेप देना है जिसमें कि हम पनीर की फिलिंग कर सके। इस तरीके से पनीर को ऐड कर लेना है इसमें। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हरी ताकि ये फटे भी ना। तो देख सकते हैं इस तरीके से फुल कर लिया। अब इसे साइड से प्रेस करते हुए इसे क्लोज करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से क्लोज हो चुका है। अब इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे बेल लेना है पराठे के शेप में। तो ये गोल पराठा रहेगा इस तरीके से और ध्यान से करना है फटने ना पाए। इसको फिर से आटा लगाते हुए बेल लेना है। ये साइज परफेक्ट है। तो बन के रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। तो पैन में हम रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे हल्का सा, थोड़ा ग्रीस कर लीजिए। इस पे ऐड कर लेंगे पराठा और इसको मीडियम फ्लेम पे सेकने देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे देन मीडियम। इसमें हल्का हल्का बबल्स आ गया तो इसे हम पलट लेंगे। नेक्स्ट साइड पे रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से ग्रीस करना है साइड साइड में भी। फिर इसको हमें फिर से पलट देना है। इस साइड भी हमें रिफाइंड ऑयल ग्रीस करना है। आप चाहे तो देसी घी से भी बना सकते हैं। इधर से भी पलट देना एंड इसे अब मीडियम फ्लेम पर रख के पकने देना है। इस तरीके से किसी भी
स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसे सेक लें। तो आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से पराठा हमारा रेडी हो चुका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, साइड से भी कच्चा नहीं है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो पनीर का पराठा रेडी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।